हेलो गाइस, वेलकम टू द टीवी गेम। मेरा नाम है देवांश। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग माइनक्राफ्ट में अनलिमिटेड स्नो फार्म कैसे बनाएं। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो जो भी ये चेस्ट में सामान रखा है, पहले तो इनको निकालेंगे, जैसे कि कार्प, पंपकिन, स्नो ग्रास, लेवर, ऑब्जर्वर, हॉपर, पिस्टन और चेस्ट। तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ और आपको ये बता देता हूँ, इसको अगर आप डेजर्ट में बनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि डेजर्ट में ये पिघल जाती हैं, मतलब पिघल के मर जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग आपको लगानी है दो चेस्ट, उससे अटैच करके लगाना है एक हॉपर। और फिर पहले तो इस कुत्ते को भगाता हूँ मैं। हाँ, फिर इसको मतलब इसके चारों तरफ लगाने हमको ग्लास। तो मिलता हूँ आपको ग्लास में लगा कर। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ग्लास लगा दिए हैं। अब इसके पीछे लगाना है मुझको एक पिस्टन, तो जल्दी से पिस्टन लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जल्दी से, तो ये गलत लग चुका है, तो रुको मैं इस ब्लॉक को तोड़ देता हूँ। हाँ, ये पिस्टन लगा दिया है मैंने, अब इसको कवर कर देता हूँ मैं। तो मैंने ये कवर कर दिया है। अब इसके पीछे लगानी है मुझे ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को स्टेप से लगाइए, मतलब कि जिससे वो क्लॉक बन जाए। तो ऐसे लगा देते हैं हम ऑब्जर्वर। इसके पीछे लगानी है, रुको मैंने स्टिक पिस्टन नहीं लिया है, तो स्टिक पिस्टन लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्टिक पिस्टन। तो यहाँ पर इस तरह से स्टिक पिस्टन लगानी है और इन स्टिक पिस्टन को तोड़ देनी है जो एक्स्ट्रा लगाए हैं मैंने। अब इसके पीछे लगाने हैं लीवर, जिससे एक लॉक रुक जाएगी। अब इसके अंदर लगा दे, मतलब डाल देने हमको स्नो गोलम। आपको जिसने स्नो गोलम डालने है उसने डाल दीजिए और उनको नेम टैग दे दीजिए सभी को। मैं दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो जो ये पिस्टन है वो स्नो गोलम की स्नो को धक्का देता है, जिससे वो टूटती है और इसके अंदर चेस्ट के अंदर आ जाते हैं सभी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 5 मिनट में कितने स्नो देता है हमको। तो मैं जल्दी से यहाँ पर टाइम चालू कर देता हूँ और पहले तो अपनी इन्वेंट्री को खाली कर देता हूँ मैं। तो जल्दी से इस इन्वेंट्री को खाली करता हूँ मैं और इसको भी खाली कर देता हूँ। तो मैंने ये दोनों खाली कर देते हैं, इनको भी अपनी इन्वेंट्री में डाल देता हूँ मैं। तो मैं जल्दी से अब इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब मिलता हूँ आपको मैं 5 मिनट के बाद, कि देखते हैं कितने स्नो आते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसको भी, तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप इतने स्नो आए हैं। और यहाँ पर मैं इनके ब्लॉक बनाकर दिखाऊंगा कितने हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल। तो यहाँ पर आ चुके हैं 2 स्टैग और 3 ब्लॉक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।